नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर नगर परिषद ईओ का गोलगप्पे बेचने वाले प्रवासी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का और धमकाने का गरमाया मामला। सीटू संगठन ने मामले में शामिल ईओ के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। हमीरपुर में बढ़ते नशे की चपेट में आते हुए युवाओं को बाहर निकालने के लिए अब जिला प्रशासन ने भी कमर कसते हुए अभियान किया शुरू। 15 दिसंबर तक पूरे जिला भर में चलाया जाएगा अभियान। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार आंदोलन। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकार को भी भेजा ज्ञापन। सुजानपुर विधानसभा के कुठेड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत।